तो वहीं गुरुग्राम में हरियाणा के सभी जिलों के पंजाबी बिरादरी संगठनों की बैठक हुई। इसमें 46 बिरादरियों के पदाधिकारियों ने प्रदेश के सभी पंजाबियों को एकजुट करने की शुरुआत की है, जिसके चलते हरियाणा में एक नई पंजाबी अरोड़ा खत्री संस्था बनाई जाएगी, जिसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है और कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम पंजाबी बिरादरी महासंगठन ने अब हरियाणा के पंजाबी समाज की सभी बिरादरियों को एकजुट करने की शुरुआत की है, जिसके चलते गुरुग्राम में एक बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि जल्द ही हरियाणा में एक नई फेडरेशन बनाई जाएगी। इसके लिए 22 जिलों की 65 बिरादरियों ने भी अपनी सहमति दे दी है, जिसकी 1 जनवरी 2024 को घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें, बिना चुनावी प्रक्रिया के बोधराज सीकरी को एक मत से नए समूह का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जो हरियाणा में उन्हें अपनी टीम अपनी इच्छा से बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया। अब हरियाणा में एक नई टीम जल्द बनकर तैयार होगी। के 22 जिलों में लगभग 65 बिरादरियों से संपर्क किया गया, उनके 46 प्रतिनिधि मिले और आने के बाद यह फैसला हुआ कि शीघ्र ही पूरे हरियाणा की एक छत्र के नीचे एक समूह, एक फेडरेशन बनाई जाए। और इस फेडरेशन का प्रारूप तैयार हो चुका है और सभी ने एक मत और एक आवाज़ के अंदर घोषणा की कि इस कार्य को संभालने के लिए बोधराज सीकरी, जो इस समय पंजाबी बिरादरी महासंगठन गुरुग्राम का भी संचालन कर रहे हैं, वो इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। उन्होंने मुझे ऑथोराइज किया, अधिकृत किया और ये भी घोषणा की कि अपनी जो टीम बनानी है सभी पदाधिकारियों की, वो भी मुझे उन्होंने अधिकार दिया है। तो काम चल रहा है, उम्मीद है कि 1 जनवरी 2024 से ये नया ट्रस्ट, ये नई फाउंडेशन, ये नया समूह अपना कार्य शुरू कर देगा। सभी बिरादरी के भाइयों को एक छत्र में लाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे असहाय गरीब परिवार हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनकी भी हम सहायता कर सकें और जो हमारे सपने अधूरे रह गए हैं, बुजुर्गों ने जो देखे थे, उनका पूर्ण करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं और हम इस निमित्त अतिशीघ्र और भी बैठक करके सरकार के पास कुछ एक मांगे लेके जाएंगे। समूह का क्या नाम होगा, हमारी क्या मांगे होंगी, उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। ये जाता है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से हमारे जो विस्थापित लोगों के दर्द को समझा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन समिति का गठन किया और जिसके निमित्त 14 अगस्त को पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी आयोजन किए गए, वो प्रेरणा थी कि जब हमारा एक देश का प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोच सकता है तो हमारा भी कर्तव्य है अपने युवा के बारे में, अपने गरीब बहन भाई के बारे में सोचें। वहीं बोधराज सीकरी ने कहा कि एक गैर राजनीतिक फेडरेशन होगी। इसके साथ ही उन्होंने अरोड़ा खत्री समाज से अपील की है कि सभी लोग इस संगठन से जुड़े। इसी दौरान बोधराज सीकरी ने हरियाणा सरकार से भी विभाजन विभीषिका समाज कल्याण आयोग गठन करने की मांग की है। हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो सरकार से प्रार्थना करने की होगी। मैं इसको मांग नहीं कहूंगा, मैं इसको प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले अभी राजस्थान सरकार ने अग्रसेन समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया है, तो हमारी सबसे पहले डिमांड ये होगी, हमारी रिक्वेस्ट भी होगी, हमारी प्रार्थना भी होगी कि विभाजन विभीषिका समाज कल्याण आयोग का गठन किया जाए, ताकि जो भी हमारे मुद्दे हैं उस आयोग के माध्यम से हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने विभाजन विभीषण स्मृति दिवस हर 14 जनवरी को मनाने का फैसला किया है, अब इसके लिए हरियाणा में भी सभी पंजाबी संगठन को एकजुट करने की पहल शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा में सभी पंजाबी संगठन एकजुट होने के बाद आगे की क्या रूपरेखा तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।